आज हमने ये मोबाइल जो है आपके सामने, ये डमी मोबाइल है, इसको हमने क्रिएट करना है। किस तरह से करना है ये चीज़ जो है ना, आज हमने डिस्कस करनी है। आपकी सहूलत के लिए मैंने ये पहले से मॉडल बना के रखा हुआ है। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप वन से लेके और जब तक ये एंड नहीं हो जाता इसका, तो मैं आपको वन बाई वन सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बताऊँ कि किस तरह से ये क्रिएट किया गया है। इसके अंदर पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल बनाने के बाद उसको हमने एक्सट्रूड किया है। आप देखें, हमने उसको एक्सट्रूड किया हुआ है। जब ये चीज़ हो गई तो उसके बाद हमने इसको ये फ्लेट लगा के इसके एक एजिस को हमने रेडियस दे दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये वाली स्क्रीन जो है ये बनाई है एक्सट्रूड कट के थ्रू। इसी तरह से फिर ये बटन्स हैं, फिर ये भी हमने एक्सट्रूड कट के थ्रू ये बनाए हैं। देन इसके बाद ये स्लॉट है, स्लॉट की कमांड से मैं सारे आपको करके दिखाऊंगा। स्लॉट की कमांड से फिर हमने इसको स्लॉट एक्सट्रूड कट के थ्रू हमने ये भी बना लिया। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने इस वाले एज पे मज़ीद जो है एक और छोटा सा रेडियस लगाया है, ठीक है, ताकि दोनों जो है ना एजेस इनके अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएं। उसके बाद आप देख रहे हैं पीछे से जो है ना हमने ये पैटर्न किया हुआ है पैटर्न की कमांड से, जो कि इसके स्पीकर हैं पीछे से लगे हुए, उसकी साउंड जो है ना वो निकालने के लिए। इसमें से एक कैमरा के लिए है और एक जो है ये फ्लैश लाइट के लिए, ठीक है। तो ये टोटल ये हमारी कमांड से किस तरह से हैं वन बाई वन, ये इसकी जो है ना वो मॉडल ट्री है। अब हम जब इसके पहले वाले एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है, ये एरो जो है ना नीचे बन जाएगा। ये इसका स्केच है बेसिकली। इसको हम जब एडिट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने शुरू काम किया था सबसे पहले, वो हमने 40x100 का एक रेक्टेंगल लिया था, जो कि ये है रेक्टेंगल की कमांड, ठीक है। इसके अंदर पांच कमांडें होती हैं, मगर हमने सेंटर रेक्टेंगल जो है ना इसको पिक किया। यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर हमने यहाँ से इसके सेंटर से जो है ना इसको ड्रैग करते हुए उठाते हुए और हमने ये रेक्टेंगल लगा लिया और उस इसको जो है ना इन ये हमारे पास जो डायमेंशन से फिर हमने डायमेंशन को सेट किया। चलें एक और जो है मैं आपको सामने आ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। इस तरह का आपने एक रेक्टेंगल लगाना है, देन आपने इस तरह से इसका साइज़ करना है, ठीक है। ये 40 कर लेना है आपने और इसी तरह से ये वाला जो साइज़ है ये आपने 100 कर लेना है, ठीक है। इस तरह का जब ये स्केच बन जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, ये तो मैं आपको दिखा रहा था किस तरह से होगा, ये हमें बनाना नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से इसको अंडो कर देंगे क्योंकि हमारा स्केच पहले से बना हुआ है, ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा था। अब यहाँ से जब हम चाहें तो ओके कर लें, ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सट्रूड पे आ जाएं, ठीक है। अभी चूँकि ये मॉडल पहले से ही बना हुआ है तो यहाँ से फिर जस्ट हम ओके करते हैं। अब ओके कर लिया है। अब आप देखें ये एक्सट्रूड था जो इसका जो है ना पेरेंट बना हुआ है, ये इसका चाइल्ड बना हुआ है। अब इस एक्सट्रूड को मैं दोबारा से आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि ये क्या था। ये वाला हमारे पास स्केच था, उसके ऊपर हमने इस एक्सट्रूड को अप्लाई किया था और हमने इसकी जो थिकनेस रखी थी वो हमने 10 रखी थी। अब हमारी मर्ज़ी, हम इसको कुछ भी रखें, ठीक है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बरहाल आपको दिखाने के लिए दोनों डायरेक्शंस में भी की जा सकती हैं। हमारे पास ये जो है वो 10 था, इसको 10 ही रहने देते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। जब हम ये ओके कर लेंगे तो हमारे पास ये पहला एक्सट्रूड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं ये फ्लेट लगा हुआ है, फ्लेट की कमांड यहाँ से मिलेगी आपको। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फ्लेट की कमांड लगेगी। अब मैं इसको दोबारा से एडिट करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने एडिट किया,
तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये कॉर्नर सिलेक्ट किया, फिर ये, फिर इसका ये, और इसका पूरा लूप जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से हमने ये दो चेक लगाए हुए हैं, यहाँ पे फुल प्रीव्यू किया हुआ है, और ये बेसिकली इसका रेडियस है जो मैं अभी चेंज करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं इसको 6 का लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये बढ़ गया, और अब हम इसको वैसे ही 5 लेने देते हैं, ठीक है। 5 हो गया, जस्ट यहाँ से आपने ओके कर देना, ओके कर लिया है, फ्लिट की कमाल लग गई। अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट की हमने जो कमांड ली थी, इसके नीचे हमारा जो स्केच है ये है, ठीक है। ये हमने एक तरह का रेक्टेंगल बनाया था, और इसको मैं एडिट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये हमने जो है कैसे लगाया था कि हमने स्केच की कमांड ली थी, और ये वाला जो फेस था इस मोबाइल का, इस पर हमने क्लिक किया। जब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई। किस तरह से आ गई, इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आ गई। और फिर हमने यहाँ से ये कॉर्नर वाला जो है कॉर्नर रेक्टेंगल वो हमने लिया, और यहाँ से यूँ बनाना शुरू कर दिया। जैसे अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, इस तरह से मैंने इसको बनाया और इसको यहाँ से रीसाइज़ कर लिया। ये इस तरह से मैंने साइज़ लिया इसके, और ठीक है आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। फिर यहाँ से मैंने ये साइज़, इनको मैंने यहाँ से एडिट कर लिया। करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ ताकि हमारा जो बना हुआ काम है वो ना ख़राब हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने ये कर लिया, फिर यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया, फिर हमने लिया एक्सट्रूड कट, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आपको कटिंग करनी है, देख रहे हैं ये बॉडी से कुछ कट किया हुआ है, तो ये हमने जब कट करना है तो हमने ये ऊपर वाला एक्सट्रूड यूज़ नहीं करना, बल्कि एक्सट्रूड कट यूज़ करना है। तो एक्सट्रूड कट हमने यूज़ किया, उसको हमने वैल्यू दी, ठीक है। वो वैल्यू क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब हम इस वाले एक्सट्रूड कट पे आ गए हैं, इसको हमने जो है ना बाकी चीज़ें वैसे ही रहने दी हैं। यहाँ पर सिर्फ ये जो डायमेंशंस है, ये वाली डायमेंशंस की जो है ना टैग बना हुआ है, इस पर हमने 0.5 किया। अगर हम इसको 1 कर देंगे, देखिए ये ज़्यादा गहरा हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा गहरा हो गया। अगर मैं इसको मज़ीद आपको गहरा करके दिखाऊँ तो ये देखें ये बढ़ता जा रहा है। हमने कितना करना था, हमने करना था 0.5, तो हमने दोबारा से इसको 0.5 कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये मोबाइल का कितने स्टेप्स हो गए हैं, 3 स्टेप्स हो गए हैं, ठीक है। पहला था हमारा एक्सट्रूड, फिर फिलेट, फिर ये कट एक्सट्रूड, ठीक है। उसके बाद फिर एक और हमने कट नहीं किया, बल्कि हमने स्केच किया ये वाला। अब ये स्केच कैसे करेंगे, इसमें हमने पैटर्न लगाया हुआ था, ठीक है। पैटर्न लगाने के लिए हमने सबसे पहले ये वाला जो है वो रेक्टेंगल लिया, इस तरह से रेक्टेंगल ले लिया, और इसका जो साइज़ था वो हमने रीसाइज़ कर लिया सारा। फिर यहाँ से स्केच के अंदर जा कर के हमने ये वाला पैटर्न, लीनियर पैटर्न पे क्लिक किया, ठीक है। तो आपको ये एरो नज़र आएगा यहाँ, सही है। अब आप आ जाएँ इस एंड पे, यहाँ पर दो डायरेक्शन है, एक ये एक्स वाली और एक ये वाई वाली, ठीक है। एक्स और वाई की डायरेक्शन से हमारे पास इसको हम जो है वो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह से भी कर लें। इसका डिस्टेंस अभी 10 है ना, यहाँ लिखा रहा है 10, तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं इसको 30 करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, तो आप अपने काम के हिसाब से इसको कीजिएगा, ठीक है। अभी अगर 2 करेंगे तो इतनी हो जाएगी, तो 10 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, सही है। ये आप अपने वहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ पैटर्न कितने करने, जैसे ये मैं करके दिखाता हूँ, मैंने 3 कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ़ पैटर्न ये हो गए। अब ये कहलाएगी एक रो, अब रो है, उसके बाद हमने कॉलम भी करना है, ठीक है। कॉलम जो है वो वाई एक्सिस में होता है, वाई एक्सिस के अंदर जो है ना, देखें आप ये, जैसे मैं इसको 5 कर दूँ या 4 कर दूँ,
ये ऊपर वाली जानब हो गए। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे इस तरह से, आप अब बिल्कुल इसके जैसा ही आपको लग रहा है, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने हैं, इतने ही पैटर्न आप बना लें, सही है। और ये आपने डायमेंशंस यहाँ से जो है ना सेट करनी है इसकी, ये मैं 5 करता हूँ इसको, आप देखें ये बिल्कुल ऐसे ही बन गया। और यहाँ से जब आप फिर ओके कर लेंगे तो ये वाला पैटर्न भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और ये वाला जो है यहाँ से ये भी अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ये हमारे बन गए, पैटर्न हो गया, सब कुछ हो गया, इस तरह की स्केच मैंने आपको बना के दिखा दी। और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर मैं गया एक्सट्रूड कट के अंदर, ठीक है। वो एक्सट्रूड कट कौन सा था, सॉरी, फिर मैं एक्सट्रूड के अंदर गया, ये वाला एक्सट्रूड था। जैसे मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट ब्लैंक करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देखें ये क्या है कि ये उठा हुआ है, सही, कितना उठा हुआ है, 0.5 उठा हुआ है, सही है। आपने ये वैल्यू पर जस्ट चेंज करनी है। जैसे मैं इसको 3 कर दूँ तो आपको बटन और ज़्यादा उभरे हुए नज़र आएंगे, ठीक है। इसको हमने 0.5 करना है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से बस आपने ओके कर लेना है। तो इस तरह से जो है ये आपका ये वाला और ये यहाँ तक बन गया। उसके बाद हमने क्या किया जनाब, ये देखें, ये इसका जो है ना स्केच बनाना है, ये देखें, ये स्केच बनाया। इसको हमने क्या किया, इसको एडिट करके दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह से लगा है। ये हमने यहाँ स्लॉट से लगाया है, ये स्लॉट है, हमने इस तरह की स्लॉट बना ली ऐसे करके, और इस तरह से स्लॉट बना ली। और फिर यहाँ से हमने इसको डायमेंशंस इसकी सेट कर दी, ठीक है। एक ये वाली डायमेंशन से जैसे हमने इसको 8 कर दिया है, ठीक है। और ये आपने इसकी जो है ना थिकनेस देनी है, ये आप 1 कर लें। एग्जैक्टली यही वाली चीज़ यहाँ बन जाएगी, ठीक है। ये आपको मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा इस जगह पे पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमने करना नहीं है, इसको हम अंडो कर देंगे, ठीक है। अंडो की कमांड का इस्तेमाल भी आपको पता चल गया। फिर जब ये हम स्केच कर लेंगे तो यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद, ठीक है, ये जो है ये इसका पेरेंट है। पेरेंट से मुराद ये कि जो फाइनल वर्जन है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ये है। तो इस पर मैं एडिट फीचर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये एक्सट्रूड कट है, ठीक है। कट एक्सट्रूड या एक्सट्रूड कट बात एक ही है। तो कट एक्सट्रूड आपने लगाया और उसकी आपने यहाँ से वैल्यू दे दी जैसे पीछे आप दे चुके हैं, और यहाँ से बस ओके कर देना। तो अब हमारे पास ये फ्रंट वाला सारा काम हो चुका है। अब हम आते हैं इस फ्लेट के ऊपर। ये जो फ्लेट है ये हमने अब इसके फ्रंट वाले एज पे हमने लगाया इसको, सही है। जैसे अगर मैं इस एज को, ये देखिए आप, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हमने ये एज सेलेक्ट किया हुआ है तो ये एक लग गया, ये दूसरा एज सेलेक्ट किया तो दूसरा लग गया, इसी तरह से तीसरा कॉर्नर सेलेक्ट किया फिर चौथा कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, ये अभी क्लोज लूप हो गया। यहाँ से हमने इसको ओके करने से पहले हमने इसकी जो वैल्यू है ना ये, ठीक है, इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। पहले 1.5 था, अब मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ओके हो गया। अब आप देखें कि हमारे पास ये वाली जो फ्लेट की कमांड थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिर तीसरी जो ये, इसको हम दोबारा वापस अपनी जगह पे ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम अंडो कर लेते हैं इसको बस, ठीक है। वरना ये हमारी ये जो वाली फ्लेट है इस पर जो है यहाँ पर रेड जो है इंडिकेशन आ रही थी कि वो आपका ख़राब हो गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको वापस उसी वैल्यू पे ही रहने दिया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और है कट, ठीक है। ये वाला स्केच है, ये स्केच हमारा बैक साइड पे है। तो जब हम स्केच पे क्लिक करेंगे तो हम ये वाली सरफेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
ताकि इस सरफेस पे हमें ये वाला स्केच मिल जाए। ठीक है, इसको एडिट करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से हुआ है। ये हमने दो यहाँ से सर्किल लिए, बस इस तरह से हमने एक यहाँ पे सर्किल लगाया और एक हमने यहाँ पे सर्किल लगाया। ठीक है, इनकी डायमेंशंस जो है ना, ये हम इनकी मदद से रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से लगाइएगा, फ़िलहाल ये मैं दिखाने के लिए कर रहा था। और फिर मैं इसको जो है यहाँ से वापस अंडू कर देता हूँ, ताकि आपने जो चीज़ आपको दिखानी थी वो मैं दिखा चुका हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने फिर क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपने, चूँकि ये कट एक्सट्रूड था, तो आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, कट एक्सट्रूड। और फिर इसको भी एडिट करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। इस तरह की स्क्रीन जब आप उस इस वाली कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। फिर आपने इसका 0.5 जो है ना, इसकी वैल्यू देनी है और यहाँ से ओके कर देना है। ठीक हो गया। और एक ये जो है पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, इसका स्केच भी इसी तरह से हमने किया जैसे हमने लास्ट वाला आपको करके दिखाया था। एक बार फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने इस तरह से सर्किल लिया था, ये देखिए हमने एक छोटा सा सर्किल बना लिया था। और बस उसके बाद फिर हमने क्या किया था, इस स्केच में जाके इस पैटर्न में हमने क्लिक की थी। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है इसको हमने यहाँ से ऐसे कर लिया था। और ये जो है ये हमें चाहिए थे, ठीक है, तीन चाहिए थे हमें, हमने तीन लगा लिए। और यहाँ से इसकी हमने वैल्यू जो है वो चेंज कर दी थी, ये हमारे पास 10 आ रहा है, इसको 2 करके देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने किया। फिर वाई एक्सिस के अंदर आपने पैटर्न के जो है ना, तकरीबन हमने 12 रखे हैं नीचे, ये डायरेक्शन ऊपर चली गई है, तो मैं इसको यहाँ से इस डायरेक्शन को यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो इसकी वजह से जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू है ना ये बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम 2 करेंगे। और आपने देखा कि बिल्कुल वैसा ही ये पैटर्न यहाँ पर भी बन गया है, सी। ठीक है, यहाँ से जस्ट हम ओके करेंगे। ओके जब हम कर लेंगे, हम देखें, मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ, तो अब हमारे पास ये वाली और ये दोनों पे अप्लाई हो गई है, ये एक्सट्रूड कट जो था हमारा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ और ये वाला मैं अंडू कर देता हूँ, ताकि हमारी जो पहले वाली जो कमांड्स थी वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसको हमने वापस अपनी पोजिशन पर लेके आ गए। अब हमारे पास ये सारा बन चुका है। और फाइनली जो है ये कॉर्नर्स के ऊपर हमने एक फ्लिट मारा था, इस यहाँ से, ये वाली जो कमांड है पहले भी आप लगा चुके हैं, इसको मैं एडिट करता हूँ, आपके सामने आ जाएगी। देखें, बहुत इजी है, ये देखें, जस्ट हमने ये वाला कॉर्नर जो है ना, ये इसको हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसने ऑटो ही ये सारा खुद ही सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, आपने इसी तरह से सबके चारों कॉर्नर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेने हैं। और यहाँ से फिर आपने वैल्यू इसकी देनी है, ये 5.5 हमने दी हुई है। तो आप अगर इसी तरह से एक्सरसाइज बना रहे हैं तो जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसी को फॉलो करें। ठीक है, यहाँ से जब आप ओके कर लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब एक और काम रहता है, ठीक है, हमने क्या किया एंड में, इसमें थोड़ी सी हमने इसकी अपीयरेंस चेंज कर की है हमने, और वो यहाँ से एडिट अपीयरेंस, इसमें जाएंगे आपने अब इसका कलर, इसमें जो है ना, इसमें भी आपके पास 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो पार्ट है, फिर एक है सरफेस, जस्ट फेस पे कर सकते हैं, इसी तरह से सरफेस है, आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आपने वो उस तरह से काम करना है। ठीक है, अभी हम पूरे कम्प्लीटली इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने कलर पे, किसी भी कलर पे मैंने जो है वो क्लिक किया है तो वो इस पूरी बॉडी पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हमने फिर इसको कर दिया ओके। इसी तरह से अगर आपको किसी ख़ास जगह पे कोई कलर करना है, मिसाल के तौर पे अब हमने ये वाला सरफेस था या ये वाला सरफेस है, इस पर आपने इसे क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ से इस बटन को प्रेस करते हुए इसका जो है ये फेस ने ऑटो ही पहले से ही आपने
जब क्लिक किया था इसने फेस डिटेक्ट कर लिया था, ठीक है। अब आपने आपने किसी भी अपनी मर्जी से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये आपने कर लिया तो उसके बाद आपने ओके कर लिया। अब आपने देखा कि इस पे चेंजिंग आ गई। इसी तरह से दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। ये हम गए, अब हमने यहाँ पर इस फेस पे क्लिक किया और हम ये वाला फेस इसको बता दिया, ठीक है। और इसी तरह से हमने कंट्रोल प्रेस करके ये वाला सरफेस या ये वाला सरफेस बगैर कंट्रोल के भी कर सकते हैं आप, और हम इसको चेंज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये सारे फेसेस जो हैं वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे इस विंडो के अंदर, और यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप जब यहाँ से ओके कर देंगे तो आपके सामने ये ऑब्जेक्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। डमी मोबाइल हमने बनाई और कितनी आसानी से हमने सॉलिड वर्क पे काम करके हमने इसको बना दिया है। तो अच्छा जी, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है।